हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वैशोर ब्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट पता जियो मार्शन। वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर लंबा ट्रैवल व्लॉग लेकर आया हूं जिसको आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करेंगे। दोस्तों एक्चुअली इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं अभी फाइनल ईयर पर स्टूडेंट फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने हमें एक टास्क दिया है हमारे ग्रुप मेंबर्स को कि आप लोग चित्राल जाएं। बाय द वे इस वक्त मैं लाहौर में हूँ, यूवीटी लाहौर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो हमें ये टास्क मिला है कि हम लाहौर से चित्राल जाएं और वहाँ से रॉक का, पत्थर का सैंपल लेकर आएँ और उसको टेस्ट करके उससे हम नतीजे हासिल करें कि प्रोजेक्ट है। तो और दोस्तों हमें जो एज है वो ये भी है कि हमारा अपना क्लास फेलो उसी इलाके का रहने वाला है, मतलब वो उसके बिल्कुल करीब रहता है चित्राल के, तो इसलिए हमें काफ़ी एज भी है। खैर अभी बेसिकली आपको पता है कि कोरोना की, कोविड की वजह से छुट्टियाँ हो गई थी, तो एक हफ़्ता पहले मैं घर चला गया वापस। अब मैं सिर्फ वहाँ चित्राल जाने के लिए पूरी पैकिंग करके इधर यूनिवर्सिटी में वापस आया हूँ और मेरे साथ दो लड़के और होंगे, हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे और हम देर में जाकर मुश्ताक को मिलेंगे और वहाँ से फिर हम आगे लॉरी टनल के ज़रिए चित्राल जाएंगे। तो दोस्तों इस सारे सफ़र में मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहें, देखिए हम किस तरह इस ट्रैवल व्लॉग को इंजॉय करते हैं। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली हैं, उसमें रास्ते में बहुत सारे टनल्स भी आएंगी और साइट्स पे बहुत अच्छी जियोलॉजी भी हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दिसंबर है तो उधर बर्फ़बारी भी, स्नोफॉल भी हमें देखने को मिलेगी। और हमारा एक्चुअली इस वक्त जो टाइम हुआ है वो ऑलमोस्ट 12:30 है, तो हमारी जो बुकिंग है दीप तक जाने के लिए बस की वो रात की 9 बजे की है। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से मैं अपने बाकी मेंबर्स के साथ यहाँ से तकरीबन हम 8 बजे निकल जाएंगे, तो अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन नई नई अभी स्टार्ट हुई है तो उसका हम फ़ायदा उठाएंगे, उसमें बैठकर और लक्ष्मी चौक तक जाएंगे और वहाँ से हम बस में बैठकर अपना दीर का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी पैकिंग मुकम्मल है, बस और टिकट और बुकिंग भी मुकम्मल है, बस यहाँ से एक्चुअली 9 बजे का इंतज़ार, बजने का इंतज़ार है और हम अपना सफ़र ऐसे स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक्चुअली जब आप सफ़र करें तो कोशिश करें कि कम से कम सामान आपके पास हो ताकि आपको वहाँ उसको कैरी करने में मुश्किल ना हो। जो कीमती सामान है वो अपना ऐसे बैग में रख लें जो आपके हैंड्स में हो, और बाकी जो दीगर चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह या और दीगर एक्सेसरीज होती हैं, वो आप इस तरह के बैग में, कोई भी बड़ा जो बैग होता है आपका जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं उसमें पैक कर दें। तो ये मेरी पैकिंग है, ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा सामान है। और तो ठीक है, इसे मैं अभी यहीं पर पॉज करता हूँ वीडियो को, और दोस्तों अगले सेगमेंट में। सफ़र है और बहुत मज़ा आने वाला है एक्चुअली, और इतनी सर्दी के मौसम में जाना आसान तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने ये एफर्ट ना की अभी तो फिर आगे चलकर लैंडस्लाइड होगी और बर्फ़ भी ज़्यादा हो जाएगी कि हम फिर मार्च में ही जा सकते हैं, और अगर हम मार्च में जाकर सैंपल ला कर टेस्टिंग करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट नहीं होगा और हमारी डिग्री अगले साल पर चली जाएगी, यानी हम
इस साल ग्रेजुएट नहीं हो सकेंगे, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते में जल्द से जल्द हम सैंपल यूनिवर्सिटी में ले आएँ, डिपार्टमेंट में ले आएँ, और ताकि फिर उसमें फर्दर टेस्टिंग करकर अपने बजट को कम्प्लीट कर सकें। जी तो दोस्तों, रात के 8 बजने वाले हैं और अब हमारे निकलने का टाइम हो गया है और हम अपना जो है प्रॉपर जर्नी अब स्टार्ट करने लगे। ये हाशिम भाई मेरे साथ हैं, हेलो करते हैं हाशिम। हेलो। अच्छा, और ये सामान वगैरह हमारा रेडी है, तो दोस्तों अब मिलते हैं अड्डे पे जहाँ से हमने आगे सफ़र शुरू करना है। स्टेशन पे पहुँचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाहर आ गई बस के निकलने से पहले हम उसमें सवार हो चुके हैं। फिर अभी बस यहाँ पे रुकी हुई है, अड्डे से निकल गई, लेकिन यहाँ पे रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए, और अभी चेकिंग इतनी हो रही है मुसाफिरों की, शादी का नंबर वगैरह नोट किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप साइड में रोड, दोस्तों बस चल पड़ी है और बस का जो मनाजिर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। सारे नौ हो चुके हैं, हम बस में थोड़ा लेट आए, लेकिन शुक्र है कि हम बस पकड़ने लगे हैं, वरना सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। तो बस में तकरीबन मतलब कि फुल नहीं है, थोड़े सीटें वगैरह खाली और बहुत मज़ा आ रहा है, और आप भी इसको इंजॉय करें। उम्मीद है कि ये हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे का होगा, और फिर हम यहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर मुश्ताक हमें पिक करेगा और हम उसे घर जाएंगे। जी तो दोस्तों, अब बस हमारी चल पड़ी है, इस वक्त 9:30 हो रहे हैं और 3 दिसंबर की रात है, और अब हम ये लाहौर टोल प्लाज़ा से निकल रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, प्लाज़ा से अब हम निकल गए हैं, जो लाहौर सिटी है उसकी हद से हम बाहर निकल गए हैं अभी, और हम जा रहे हैं दीर की तरफ। दरमियान में हमारा एक स्टे होगा और इस्लामाबाद में स्टे होगा, कलरकहार में स्टे होगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो दीर पहुंच जाएंगे, जहां से मुश्ताक हमें पिक कर लेगा, और फिर उसके
उसके बाद हम अपना सफ़र चित्राल की तरफ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इट्स अमेजिंग, लुकिंग नाइस, ग्रेट एंड आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ इस सफ़र के लिए। पहली दफ़ा जा रहा हूँ चित्राल, नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, ब्यूटीफुल एंड प्रिटी गुड टू एक्सप्लोर फॉर द टूरिस्ट एंड ट्रैवल लविंग पीपल्स लाइक यू एंड मी। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम जिस ट्रैवल बस से सफ़र कर रहे हैं, एजेंसी से सफ़र कर रहे हैं, उसका नाम है अहमद ट्रैवल्स। ये लाहौर में मिल जाती है बत्ती चौक पे से। Thank you.
आज हम पहुंच गए हैं बीर अड्डे पर। ये मौजूद है बीर अड्डा और यहाँ का मुश्किल का हमें लगा हुआ है। उसकी बस भी सामने खड़ी है, गाड़ी खड़ी है उसके सामने, उसमें बैठ के हम आगे की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये है बीर का अड्डा। दो साल में हमारे में कौन रहे ना, हमारे लिए काम के लिए आसान है। आगे सारा बोरिंग करनी है वो आसान काम है। ये मेरा ख्याल है, चलो इसकी पेट लग रहा है। हेलो गाइस, हम धीर है, जी धीर है, हम धीर पहुंच चुके हैं और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बजे हुए हैं। और इस तमाम ग्रुप मेंबर मेरे साथ हैं, ये हाशिम भाई हैं, एतिजाज़ है और ये मुश्ताक है, ठीक है। वेलकम किया जी, हाँ ये हमारा मेज़बान है, होस्ट है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें वेलकम किया। और इधर टेम्परेचर काफ़ी लो है, सर्दी है, इसलिए हम चाय पी रहे हैं, ठीक है, उसको गर्म रखने के लिए। तो अभी कुछ देर में हम निकलने वाले हैं, कुछ देर में हम निकलने वाले हैं आगे चित्राल के लिए। तो दोस्तों फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। उस मौके पर मुझे ऐसा झटका लगा कि मेरा मोबाइल ही मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मुश्ताक की नाम क्या है इसका, लोकेशन का? जरा कम से लवारी। अच्छा लवारी, ठीक है।
भीर से निकला है हम। हाँ सही। और ये भी अपर भीर का मतलब है जो समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा सही। अपर भीर से हम जब निकले नहीं है उसको बोल दिया कि रास्ते में लाम बता। सही। तो व्यूअर्स ये हम मतलब भीर से तकरीबन निकलने वाले हैं। ये है उसी का हिस्सा और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, कुछ पिघल गई है और हाँ और कुछ मज़ीद पिघल जाएगी अगर सूरज निकल जाता तो। हाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे ये जो है ना वो तकरीबन पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे, लेकिन अब ये है कि हमारे आने का मकसद जो है वो यही था कि ये बर्फ़ जो पिघल जाए ताकि हम अपना जो सैंपल है रॉक सैंपल है वो उठा सकें। तो चले हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है ना।